नेक्स्ट आर्टिकल है 12.8 इलेक्ट्रिकल पावर. सो व्हाट इज द पावर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पावर, ये हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. तो आर्टिकल को रीड कर लेते हैं एक बार. यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. इक्वेशन 12.21 gives the rate at which electrical energy is dissipated and consumed in an electric circuit. This is also termed as electric power and denoted by capital P. Okay, so capital P is V into I. ये तो formula हमने बना ही लिया था. अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि power के लिए हम क्या use कर रहे हैं. जो 9th class में हमने पढ़ा था, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी. ये अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा. क्यू क्या है? चार्ज. वी क्या है? पोटेंशियल. सो क्यू बाय टी क्या बन जाएगा? आई. सो आई इंटू वी. और जो हम इस फॉर्मूले को हर जगह पढ़ते हैं वो है P इक्वल टू V इंटू I. I इंटू V लिखें या V इंटू I लिखें, ये हमारे लिए पावर का फॉर्मूला हो जाता है. यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है वाट. ठीक है, पावर की यूनिट क्या है? वाट है. आगे रीड करते हैं. V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से. तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो P इक्वल टू I स्क्वायर R बन जाएगा और V स्क्वायर अपॉन R भी बन जाएगा अगर वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो. SI यूनिट इज वॉट. W से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W से. जितने भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से बने हुए हैं उन सभी यूनिट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. वॉट भी साइंटिस्ट के नाम से है तो इसलिए इसे भी W कैपिटल से डिनोट किया जाता है. इट इज द पावर कंज्यूम्ड अ डिवाइस that carries 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए. जितनी भी quantities हमने अभी तक derive की है, चाहे वो 1 volt है, चाहे वो 1 watt है, चाहे वो 1 joule है, चाहे वो 1 ampere है, सभी को हमने इस तरह से define किया है, mathematically define किया है. ठीक है, कि 1 volt अगर लगाया जाए किसी कंडक्टर के अक्रॉस और उसमें से 1 ampere का करंट जाता है तो जो पावर कंजम्पशन होगा दैट विल बी 1 watt. द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट. ठीक है, एंड किलो कितना होता है? 1000. 1 kg, 1 kilo मतलब 1000. तो किलोवाट मतलब 1000 watt. सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, the unit of electrical energy is watt hour. Okay, watt into hours. ये हमारी electrical energy की unit होती है. 1 watt hour is energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electrical energy is kWh, kilowatt hour. कॉमनली यू नॉन एज यूनिट. जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, हम कहते हैं कि 1 unit बना या 10 unit बना या 100 unit बना, तो वो जो 1 unit होता है वो 1 unit 1 kWh 1 kilowatt hour के बराबर होता है. और 1 kilowatt hour कितना होता है? 3.6 × 10⁶ joule. यहाँ पर देख लीजिए, हम कह रहे हैं जो यूनिट है 1 unit इज इक्वल टू 1 kilowatt hour. और 1 kilowatt hour को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 kilo का मतलब होता है 1000 और watt into hours. तो hours कितने second होते हैं 1 hour में? 3600 seconds. okay, so ये 30 यहाँ है, 20 यहाँ है. so 36 × 10⁵ joules वाट इंटू सेकेंड होता है जूल. ओके, और इसे याद रखने का ज्यादा अच्छा तरीका है 3.6 × 10⁶. देखिए 6 कॉमन मिल रहा है ना हमें, तो इसे याद इस तरह से रखा जाता है.
वन यूनिट इक्वल टू 1 kWh एंड इट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, कई बार ये कंफ्यूजन होता है। 11th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया गया है कि kWh किसकी यूनिट होती है। तो यहाँ जनरली हमें W देखकर, वाट देख करके और लगता है कि वाट जो है वो तो पावर की यूनिट है, तो हम कह देते हैं पावर है, लेकिन वाट के साथ यहाँ पर टाइम भी है, वाट इंटू आवर्स है, तो वाट इंटू आर हो जाता है एनर्जी। तो ये जो यूनिट है ये किसकी है, एनर्जी की यूनिट है। kWh इज यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, चलिए फिर एनसीईआरटी पे बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो मोर टू नो मेनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज रॉन्ग। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गजेट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन एंड इंजिन्स। वी पे द एनर्जी फॉर एनर्जी दैट वी यूज। ठीक है, इस का जो आर्टिकल का मतलब है मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिए। ये हमारा कोई सब स्टेशन है, मान लो ये हमारा एक सब स्टेशन है जहां से हमको पावर सप्लाई मिल रही है। ठीक है, यहाँ से हमको पावर सप्लाई मिल रही है, तो इन्होंने एक वायर से हमको सपोज सप्लाई दी है, ये हमारे पास सप्लाई आ गई। ठीक है, और सप्लाई से ये जो हमारा घर है, इस घर में हमने अलग अलग अप्लायंसेस चलाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने अप्लायंसेस में एक बल्ब, एक एग्जाम्पल बल्ब के लिए ले लेते हैं, ये बल्ब चलाया हमने। ठीक है, तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब हमारा है, ये वायर जो होगा इधर कनेक्ट होगा और दूसरा वायर जो होगा ये इधर कनेक्ट होगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर गए होंगे और वापस ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए और वापस पावर सप्लाई जहां से ही वहां इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। तो फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब जितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई स्टेशन ने हमको दिए थे वो सब के सब अगर सप्लाई स्टेशन पे वापस आ गए तो फिर हमसे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज क्यों लिया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, हमसे चार्ज लिया जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने का। भैया ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैसे, ये यहाँ से आपके घर तक जाएंगे कैसे। आपका बल्ब जो है जब इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले लेगा और ऐसी लाइट दे देगा आपको, ऐसी एनर्जी दे देगा ना आपको, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसने दी थी, इस सप्लाई स्टेशन ने दी थी। सप्लाई स्टेशन से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन आपके घर पहुंचा, आपके बल्ब के पास पहुंचा और आपके बल्ब ने इसकी एनर्जी छीन ली। जब इसकी एनर्जी छीन ली तो ये वापस क्या हो गया, बिना एनर्जी का हो गया, इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब ये पहुंचा वापस कहाँ पे, ये वापस पावर स्टेशन पे पहुंचा और पावर स्टेशन पे जब इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी तो पावर स्टेशन ने वापस इसको एनर्जाइज किया और वापस आपके घर पे भेजा। इस चीज का पैसा पावर सप्लाई स्टेशन जो होते हैं वो हमसे लेते हैं, वो हमारे हमें इलेक्ट्रॉन देने का पैसा नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करने का पैसा लेते हैं, चार्ज को एनर्जाइज करने का पैसा लेते हैं। यही इस आर्टिकल का यहाँ पर मीनिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जाम्पल 12.12, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5, व्हाट इज द पावर। सो वी इंटू आई, सिंपल है ये तो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। सॉल्व किया 110 वाट आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑफ 400 वाट, रेफ्रिजरेटर सॉरी, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर, एक दिन में 8 घंटे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज, 30 डेज अगर चलेगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, और 1 kWh जो है वो 3 रुपीज का है, तो बताइए कि कितने रुपए का बिल आएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होना चाहिए।
है ना, कॉस्ट यही पूछा ही है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या क्या दिया है हमको पहले तो ये जान लें। हमें दिया है रेफ्रिजरेटर की पावर 400 वाट। इसे किलोवाट में बदल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल बदल सकते हैं, 400 upon 1000, तो ये हो गया किलोवाट। ठीक है, मतलब कितना हुआ, 0.4 किलोवाट। एनर्जी क्या होती है, 1 kWh, मतलब 1 kWh। ये कितने रुपए का है, 3 रुपीस का है। हम देख लें कितने किलोवाट आर हो रहे हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अभी तो केवल किलोवाट हुए हैं, आवर्स कितने हो रहे हैं, तो चलिए वन डे में कितने आवर्स चल रहा है, 8 आवर्स चल रहा है। ठीक है, सो 30 डेज में कितना चलेगा, तो 30 डेज में चलेगा 30 × 8, दैट विल बी 240 आवर्स। ओके, तो हमारे पास आवर्स भी आ गए टोटल और किलोवाट भी आ गया टोटल। अब हम क्या करें, कितने के डब्ल्यू एच हो रहे हैं ये काउंट कर लेते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू 0.4 × 240, ये हो गई हमारी के डब्ल्यू एच। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा अगर ये जीरो चला जाए, 24 × 4 दैट इज 96 kWh। चलिए ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई, और इस एनर्जी को किस रेट पे दिया जा रहा है, 3 रुपीज का 1 kWh। सो 1 kWh इज इक्वल टू 3 रुपीज, तो 96 kWh कितने का होगा, 96 kWh होगा 3 × 96 का, तो 3 × 96 तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, कितना आ रहा है, 900 × 2 करेंगे तो 3 करेंगे तो 270, और 6 × 3 करेंगे तो 18, तो 288 रुपीज, इतने पैसे का आपका बिल आना चाहिए, 96 kWh इतना होना चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं इसको, 288 रुपीज, आंसर चेक करते हैं, 288 रुपीज करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या क्या है। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, रेट मैंने आपको बताया था, रेट का मतलब क्या होता है कि उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, तो एनर्जी को टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, पावर डिलीवरी। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट, दैट इज पावर। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पीयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, तो करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, डिटरमाइन द पावर, पावर मिल जाएगा 220 × 5 करोगे, डायरेक्ट पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, 2 आवर्स मिल गए और यहां से पावर मिला, ये पावर किस में मिला आपको, वाट में, इसको किलोवाट में बदल लो और आवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, kWh हो जाएगा, तो इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। नहीं आया समझ में तो क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं कर देता हूं यहाँ पे। क्या दिया है हमें क्वेश्चन, दिया है 5 एम्पियर है, I इक्वल टू 5 एम्पियर है, V इक्वल टू 220 वोल्ट है, और टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स। तो देख लीजिए V और I मिलके क्या बनाएगा, पावर, पावर हो जाएगी 220 × 5, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, तो 220 × 5 कितना हो गया, ये 1100 वॉट। ठीक है, और आवर्स तो हमको यहाँ पे दिए ही हुए हैं, तो अब एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी क्या होती है,
पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम होती है, पी इंटू टी लिख देते हैं सीधे, तो ये बन जाएगा 1100 इंटू 2, क्लियर। लेकिन ये वाट इंटू आर हुआ है, अगर आप इसको किलो वाट आर करना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। चलो कर देते हैं 1000 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 2, दैट इज 2.2 किलो वाट आवर्स, ये एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2.2 इंटू 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 जूल, इसे जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई करके आप जरा आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। ये हमने एनसीईआरटी का पूरा रीडिंग किया है और उसको एक्सप्लेन किया, और साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको एग्जांपल में दी थी वो सब हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद आती है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके साथ ही कंटिन्यू हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी लेक्चर में या किसी भी क्वेश्चन में तो वो कमेंट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमें और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप मुझे कमेंट करके और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए डिमांड कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व करके भी दे सकता हूँ और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, बट आप मुझे कमेंट करिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है।